नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अमीषा पटेल ने 5 साल के ब्रेक के बाद गदर 2 से कमबैक किया है। बॉक्स ऑफिस पर 503 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही। अमीषा को गदर 2 की सक्सेस की खुशी होने के साथ ही अपने करियर में लिए कुछ फैसलों का अफसोस भी है। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्व मैनेजर के चलते कई बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका गंवाया था। एक इंटरव्यू में अमीषा ने बताया, हमारे बीच एक बहुत ही अच्छी फिल्म पर बात चल रही थी, पर मेरे मैनेजर और भंसाली के बीच कुछ बात नहीं बनी। अमीषा ने आगे बताया, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जब मैं उस मैनेजर से अलग हो गई, तब एक दिन भंसाली ने मुझे इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मौके थे जब हम आपके साथ काम कर सकते थे, पर वो मैनेजर से डील नहीं करना चाहता था। सिर्फ भंसाली ही नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स और साजिद नाडियावाला समेत कई बैनर ने मुझे बाद में बताया कि वो मेरे मैनेजर की वजह से मुझसे डरते थे। ऐसे में मुझे कई बड़े बैनर और डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।